टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस कृतिका सेंगर जल्द ही मां बनने जा रही हैं। कृतिका सेंगर और निकिता धीर के घर जल्द ही जूनियर धीर आने वाला है। ये 2022 में कृतिका और निकिता दो से तीन हो जाएंगे। फैंस को ये गुड न्यूज खुद कृतिका ने ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर दी है। कृतिका सेंगर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी और निकिता की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर उनके दिवाली सेलिब्रेशन की थी, जिसके जरिए उन्होंने फैंस को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो माँ बनेंगी। कृतिका ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, धीर जूनियर आने वाला है 2022 में, हर हर महादेव। तस्वीर में कृतिका के चेहरे पर प्रेगनेंसी का ग्लो दिख रहा है। कृतिका ने जैसे ही ये पोस्ट शेयर किया, फैंस और सेलिब्रिटीज दोस्त उन्हें बधाई देने लग गए। कृतिका और निकिता शादी के 7 सालों बाद अब अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। अपने प्रेग्नेंट होने की खबर पर कृतिका ने एक हालिया बातचीत में भी बताया कि इस खुशखबरी से हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। निकिता तो आसमान पर है, वो पिता बनने के लिए बेहद एक्साइटेड है और मुझे खुशी है कि मैं माँ बनने जा रही हूँ। हमारा पूरा परिवार एक नए सदस्य के आने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, ऐसे में ये हमारे लिए एक सरप्राइज है। मेरे ससुराल वाले भी बहुत खुश हैं और मुझे रानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं और वे मुझ पर जो प्यार बरसा रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। कृतिका ने ये भी बताया कि अगले महीने उनके भाई की शादी है और ऐसे में ये उनके लिए डबल सेलिब्रेशन का मौका है। आपको बता दें कि कृतिका और निकिता की शादी की कहानी भी काफी दिलचस्प रही है, क्योंकि कम ही लोग जानते हैं कि कृतिका सिंगर और निकिता धीर की अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों के सफर की शुरुआत ये 2014 में शुरू हुई, जब निकिता के पापा और एक्टर पंकज धीर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। वो अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू पर काम कर रहे थे। इस फिल्म में कृतिका फीमेल लीड रोल प्ले कर रही थी। उसी वक्त कृतिका को पंकज ने अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। पंकज को लगा था कि कृतिका ही निकिता और उनके परिवार की बहू बनने के लिए परफेक्ट रहेंगी। कृतिका को परिवार की बहू बनाने के लिए पंकज ने कृतिका के परिवार से बात की। जब दोनों के परिवार वालों ने एक दूसरे से मुलाकात की, उसी वक्त ही कृतिका और निकिता की पहली बार एक दूसरे से मिले थे। कृतिका और निकिता दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और फिर पसंद की बात दोनों की शादी तक पहुंची। हालांकि शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को डेट किया ताकि दोनों आपस में अपनी समझ बैठा सकें। फिर साल 2014 में कृतिका और निकिता ने सगाई की और फिर 6 महीने बाद 3 सितंबर या 2014 को कृतिका और निकिता ने साथ फेरे लिए। ये शादी बेहद शाही रही। इस शादी की चर्चाएं भी खूब हुई थीं। इस रॉयल वेडिंग में हेमा मालिनी, कोंकणा सेन शर्मा, रणवीर शौरी, रोनित रॉय, मानसी जोशी, करणवीर बोहरा, टीजे सिद्धू, गौहर खान, कुशाल टंडन, गुरमीत चौधरी, देबिना समेत बॉलीवुड और टेलीविजन के कई स्टार्स ने शिरकत की थी। शादी के दौरान हुए हर फंक्शन में दोनों ने जमकर मस्ती की। करियर की बात करें तो कृतिका ने एक वीर की स्त्री की कहानी झांसी की रानी में लीड रोल प्ले किया था। इसके अलावा वो पुनर्विवाह में भी नजर आ चुकी हैं। तो वहीं लंबी कद काठी और हैंडसम लुक वाले निकिता धीर की टीआरपी टेलीविजन और फिल्मों की दुनिया में जबरदस्त है। उन्होंने टीवी के साथ साथ कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। गौरतलब है कि कृतिका सिंगर और बॉलीवुड एक्टर निकिता धीर प्यारे कपल्स में से एक हैं। कृतिका और निकिता धीर की केमिस्ट्री फैंस को बेहद पसंद आती है। दोनों को छोटे पर्दे की बेस्ट जोड़ियों में गिना जाता है और अब बहुत जल्द इनके घर में नन्ना मेहमान आने वाला है।